ऐसा एक मिथ फैलाया हुआ है कि ये अपने डॉग अपने ओनर को काट लेता है, एक ऐसा मिथ है, या ये बहुत क्रॉपिंग करके ऐसे किया जाता है। आप कहीं भी देखोगे सोर्स पर्पस के लिए, आपको सेल परचेज के लिए कोई पोस्ट देखोगे इस टाइप के, आपको डॉग को आपका आपका डॉग खाना खाते समय काटता है या खाना खाते समय एग्रेशन दिखाता है तो आपको बच। जय हिंद फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त आज का होस्ट करण प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल पेट्स प्लाजा। आज मैं वेलकम करता हूं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो एक गार्ड डॉग रखना चाहते हैं, जो एक जो रॉटवाइलर या डॉबरमैन का फैन है या रखना चाहते हैं डॉबरमैन, तो आज मैं आप देख सकते हो मेरे साथ टैन कलर का या ब्राउन कलर या लीवर कलर, कुछ भी आप बोल सकते हो, ये पपीज़ अवेलेबल है। काफ़ी शानदार क्वालिटी के हैं। दो पपीज़ अवेलेबल है, एक को मैंने रेस्ट कर दिया है, एक वीडियो में तो वीडियो बनाने अच्छे से नहीं दे रहा है। तो आज मैं आपको, आज का जो वीडियो का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉबरमैन के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डॉबरमैन के हर एक फैक्ट के बारे में आपको बताऊँगा। इनका हाइट क्या होना चाहिए, इनका ओरिजिन कहाँ से है, कुछ फैक्ट जो कि शायद किसी भी यूट्यूब चैनल में या किसी भी जगह में आपको पता नहीं होगा, आपके लिए एकदम नया होगा। तो सब फैक्ट डॉबरमैन के बारे में मैं कवर करने वाला हूँ। जो फर्स्ट फैक्ट है, जो फर्स्ट आपको पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है कलर के ऊपर। जो इनका कलर है, ये पांच कलर में मेनली पाए जाते हैं। फर्स्ट आपके सामने है कलर जो चॉकलेट कलर में है या रेड कलर में, आप इसको बोल सकते हो। सेकेंड कलर जो बहुत फेमस कलर है, ब्लैक कलर, ब्लैक एंड टैन। उसके बाद आता है वाइट कलर, उसके बाद आता है फॉन कलर, उसके बाद आता है ब्लू कलर। पांच कलर में इंडिया में स्पेशली पाए जाते हैं डॉग, बट मेनली दो कलर ही चलता है, एक होता है टैन कलर और एक आपका ब्लैक कलर। तो मेनली ये दोनों चलता है और ये परफेक्ट गार्ड डॉग है। यदि आप अपने घर पे रखना चाहते हो इस डॉग को, तो ये एकदम परफेक्ट गार्ड डॉग है आपके घर के लिए, आपके फैमिली मेम्बर के लिए, आपके फार्म के लिए, एकदम परफेक्ट गार्ड डॉग है। अब बात करते हैं इनके वेट के बारे में। इनका जो वेट होता है, फीमेल का वेट एटलीस्ट 32 से लेके 35 किलो के आसपास रहने से उनका फीमेल का वेट काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का होगा। उससे ओवरवेट करोगे तो ये गार्ड डॉग जो पर्पस के होते हैं ना, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो लेथर्जिक हो जाएंगे फिर। और मेल का जो वेट होता है वो 40 किलो से लेके 45 किलो के आसपास रहना चाहिए। और इनकी हाइट की बात की जाए तो फीमेल का हाइट 63 सेंटीमीटर से लेकर 68 सेंटीमीटर तक रहने से बहुत अच्छा होगा। और मेल की हाइट की बात की जाए तो 68 सेंटीमीटर से लेकर 72 सेंटीमीटर के आसपास रहने से काफ़ी अच्छा क्वालिटी का माना जाएगा। और ये बहुत एनर्जेटिक डॉग ब्रीड होते हैं। हर एक डॉग ब्रीड से मैंने बहुत सारे डॉग ब्रीड रखा है, पाला है, मैंने बाई भी किया है, सेल भी किया है कुछ कुछ डॉग तो। बट ये जो डॉग है बहुत एनर्जेटिक है। अभी मैंने इसे खाने का सेकंड मील इसने लिया है, इस वजह से ये अभी बहुत थोड़ा सा रेस्ट मोड में है। तो मैं इस वीडियो बनाने के लिए इन्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो ये बहुत एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है। अब इनका ओरिजिन की बात की जाए, इनका ओरिजिन है जर्मनी से। और ये दो टाइप के डॉग ब्रीड, मेनली थ्री टाइप के आते हैं। ये जो आपके सामने आप देख रहे हो, ये हुआ आपका अमेरिकन डॉबरमैन, ठीक है। और सेकंड जो आता है वो यूरोपियन डॉबरमैन होते हैं, वो साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। अमेरिकन डॉबरमैन से साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे आप ये देख लो, इनका जो चेस्ट होता है ये थोड़ा निकला हुआ है, बट यूरोपियन में आप देखोगे इनका जो चेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा निकला होता है, साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। इनका मजल जो होता है काफ़ी ब्रॉड मजल होता है, वो भी मेनली चार से पांच कलर में आते हैं, मेनली दो कलर ज़्यादा फेमस होता है और वो डार्क कलर में आते हैं। जैसे कि अभी ये कलर आप देख रहे हो, ये साइनी में लाइट कलर में आते हैं, बट यही सेम यदि आप सेम कलर का यूरोपियन डॉबरमैन लोगे तो वो डार्क कलर में आएंगे, ब्लैक में भी और टैन में भी। और एक आता है मिनिएचर पम, ठीक है, मिनिएचर आता है, मिनिएचर पिंसर आता है, वो भी एक एक टाइप का प्रजाति है डॉबरमैन का, बट वो साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं। आप जैसे कि ये 4 मंथ का पपी है, आप ये 4 मंथ का पपी आपको देख रहे हो, तो ये सेम इतना ही उनका एडल्ट आप लोगे तो सेम इतना ही साइज के होते हैं वो, ठीक है, इतना ही साइज का आपको वो साइज। तीन टाइप के पपीज आते हैं, तीन टाइप के डॉबरमैन आते हैं। अब बात करते हैं इनके ब्रीड स्टैंडर्ड के बारे में। तो ब्रीड स्टैंडर्ड मेनली सब जगह, सब स्टेट में बोलो या कंट्री में बोलो,
मेनली अमेरिकन डॉबरमैन ही चलता है। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है काफ़ी लीन होता है काफ़ी, और आप शोज में जाओगे तो आपका जो ये ईयर तो ऐसा इसका डाउन की तरफ है, बट वो ईयर आपका खड़े रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं इस टाइप के, इसे क्रॉपिंग करके, ईयर को क्रॉपिंग करके ऐसे किया जाता है। आप कहीं भी देखोगे शोज पर्पस के लिए, आपको सेल परचेज के लिए कोई पोस्ट देखोगे, इस टाइप के आपको डॉग को शो करके दिखाया जाएगा, ऐसे स्टैंडर्ड किया जाएगा, स्टैंड करके शो पर्पस के लिए दिखाया जाएगा ऐसे करके, ठीक है। ईयर का आपको पता चल गया है, नोज का पता चल गया है, अब बात करते हैं टेल के बारे में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्योंकि बहुत इंसानों को, बहुत पर्सन को ऐसा पता ही नहीं है कि इनको टेल को भी क्रॉप किया जाता है। इनका जो टेल है इतना छोटा नहीं आता, इनका टेल काफ़ी बड़ा आता है, जैसे लैब्राडोर होता है, डॉबरमैन होता है, जर्मन शेफर्ड होते हैं, वैसे इनके टेल भी आते हैं, बट इनको लुक वाइज बहुत अच्छे अट्रैक्टिव लुक लगता है, इसीलिए इनको ईयर को भी क्रॉपिंग किया जाता है, टेल को भी क्रॉपिंग किया जाता है। तो यदि आपको टेल क्रॉप पसंद नहीं है तो आप टेल क्रॉप नहीं करोगे। आप जो भी ब्रीडर से आप ले रहे हो, वो ब्रीडर को आप बोलोगे कि आपको मुझे टेल क्रॉप नहीं चाहिए, तो छोटे समय में जैसे 20 डेज या 25 डेज के आसपास इनको रबर बैंड को बांध दिया जाता है, तो इनका टेल खुद ब खुद कट के गिर जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर अभी तक बाल आया नहीं है, कुछ समय बाद आस्ते धीरे करके वो बाल आ जाएगा। और बहुत प्यारे डॉग होते हैं, बहुत क्यूट से पपीज होते हैं ये, और इनको ब्रीड मेनली क्यों ब्रीड किया गया था, अब बात करते हैं ब्रीड के बारे में, क्यों इनको स्पेशली ब्रीड किया गया था। जैसे कि आपको पता है लैब्राडोर को हंटिंग के लिए ब्रीड किया गया, तो इनको गार्डिंग पर्पस के लिए ब्रीड किया गया था। जैसे आप यदि फर्स्ट जो नंबर वन टॉप वन नंबर वन पे आता है डॉबरमैन, जो कि गार्डिंग पर्पस के लिए काफ़ी अच्छा डॉग है, मतलब इसको स्पेशली गार्डिंग के लिए ही ब्रीड किया गया था। तो कार्ल्स डॉबरमैन बोल के एक इंसान था जो कि 1960 के समय में इनको ब्रीड किया गया था, अन्य अन्य ब्रीडर के अन्य अन्य ब्रीड को मिला के इनको ब्रीड किया गया था, स्पेशली क्योंकि वो टिकट कलेक्टर थे, उनको एक पैसा एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट के आसपास जाना पड़ता था, तो उनको एक ऐसा डॉग चाहिए था, एक ऐसा डॉग अब उन्होंने ब्रीड करवाया था जो कि डॉबरमैन है, तो वो उन्हें अपने साथ ले जा सके, क्योंकि हो सके कोई बैड पर्सन उनको फॉलो कर रहा होगा, कोई भी ऐसा पर्सन फॉलो कर सकता है कि उनका जो पैसा है उसे छीन सके, तो ये डॉग उनको सेव करते थे। और एक फैक्ट है जो कि बहुत अच्छा फैक्ट है, बहुत अच्छा प्यारा फैक्ट है, जो कि इन्हें एक समय 5 से 10 साल पहले ये बहुत बूम कर रहे थे इंडिया में कोलकाता में कहीं भी बहुत ज़्यादा बूम करते थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चलंती में थे। बट उस समय क्या एक तो ऐसा एक मिथ फैलाया हुआ है कि ये अपने डॉग अपने ओनर को काट लेता है, एक ऐसा मिथ है, या ये बहुत गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो ये 4 मंथ के पपीज है, 2 पपीज है, मेरे साथ है, मेरे फैमिली मेम्बर के साथ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक डॉग को ख़राब करने के पीछे उनका ओनर का ही हाथ होता है, वो डॉग का ख़राब करने का कुछ नहीं, वो तो बेजवान जीव है, ठीक है, उनको वो सिर्फ ऐसा बहुत सारा मिथ है, ऐसा मिथ फैलाया गया था कि ये अपने डॉग को अपने ओनर को ही काट लेता है। मैंने भी बहुत समय के लिए सुना था, 5-10 साल पहले डॉबरमैन का बहुत चलनती था, बहुत मतलब बहुत फेमस था, बहुत बूम कर रहा था इंडिया में, स्पेशली कोलकाता में बोला जाए या पंजाब में बोला जाए, तो डॉबरमैन स्पेशली बहुत कम बहुत रिजनेबल रेट में मिल जाते थे, बहुत प्यारे रेट में 4-5-10 हज़ार के आसपास आपको मिल जाते थे, तो हर एक डॉग लवर इसको अफोर्ड कर सकता था, तो लेते थे उस समय तो। बट ऐसा मीत के बाद या अन्य अन्य डॉग ब्रीड आने के बाद ये डॉग को आस्ते आस्ते बहुत लुप्त हो जा रहा है, मतलब ये डॉग ब्रीड को आदमी पसंद नहीं कर रहा या लेना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। बहुत एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है, बहुत प्यारा डॉग ब्रीड है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो आप ये डॉग ब्रीड के लोग बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, और बहुत अच्छा गार्ड डॉग है, बहुत एनर्जेटिक है। यदि आप कभी भी आपके घर पर इंसान की कमी है तो आप इस डॉग को लोगे तो आप इस डॉग में पूरा बिजी हो जाओगे, इसको खिलाने के लिए, कुदाने के लिए, ये डॉग ब्रीड को आप ग्राउंड पे ले जा सकते हो, बॉलिंग बॉल इसको फेंकोगे तो ये प्यार से लेके आएगा, आप इसे लेके जा सकते हो अपने घर पे या फार्म पे रख सकते हो, तो बहुत अच्छा ब्रीड है आपका। यदि आप डॉबरमैन लेना चाहते हो, स्पेशली आपको 2 स्टेट में, इंडिया के 2 स्टेट्स में स्टेट में आपको मिलेगा, एक बैंगलोर में, एक कोलकाता में, यहीं पर ये डॉग अवेलेबल है, और पंजाब में या कहीं भी अन्य स्टेट में उतना अवेलेबल नहीं है डॉग।
अब बात करते हैं बाइटिंग टेंडेंसी के ऊपर। यदि आपका आपका डॉग खाना खाते समय काटता है या खाना खाते समय एग्रेशन दिखाता है, तो आपको बचपन से उसको हर एक फैमिली मेम्बर के साथ मिलाना पड़ेगा। और जब आप डॉग को खिला रहे हो तो एक इंसान, स्पेशली एक इंसान ना दे, उसे अलग अलग इंसान दे। जैसे कि आप कभी मम्मी दिया, आपके कभी फादर ने दिया, सिस्टर ने दिया, कभी आपने दिया, तो ऐसे क्या हुआ, उसको पता हुआ कि मुझे हर एक डॉग ब्रीड आपको खिला रहा है, ठीक है, हर एक इंसान खिला रहा है, तो हर एक मेरा ओनर है, ठीक है। और जब आप खिलाओगे तो उनके जो बाउल होता है, बाउल में आप हाथ फिंगर आप फिराते रहोगे, तो ऐसे क्या होगा, वो कभी भी खाने समय एग्रेशन नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये ब्रीड आप चुनाव करो, इस ब्रीड का बहुत अच्छा ब्रीड है, बहुत प्यारा ब्रीड है। जैसे कि ये फीमेल है, तो इसका ये फीमेल है, तो ये इसका नाम है डेजी और वो लियो है, तो बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट सा है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, शांत है, काफ़ी वीडियो को एंजॉय कर रहा है, खाने को एंजॉय कर चुका है, अभी वीडियो को एंजॉय कर रहा है, और बहुत एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है। अभी जब छोड़ दोगे ना तो इधर से उधर आप खेलते रहेगा, तो बच्चों के साथ भी काफ़ी अच्छा है और फैमिली मेम्बर के साथ भी काफ़ी अच्छा है। आपके घर में एल्डर भी, कुछ बूढ़े बुजुर्ग भी है, तो वहाँ भी उसके साथ भी काफ़ी अच्छा है। और एक बात, ये वन मैन डॉग के हिसाब से भी जाना जाता है, वन मैन। जैसे कि बहुत समय क्या था, पहले क्या था कि एक इंसान इसे आराम से रख सकता था, तो वो सिर्फ उनके हाथों से खाता था, उनके हाथों से रहता था, दूसरे इंसान को पहचानता नहीं था, क्योंकि पहले ये समय क्या था, डॉग रखने का जो सही पालन पोषण है वो इंसानों को पता नहीं था। तो होपफुली फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे यूट्यूब चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। डॉग के रिगार्डिंग आप कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी क्वायरी हो, आप मुझे उस वहाँ पर जाके पूछ सकते हो, उससे बात कर सकते हो। और मेरे फेसबुक का पेज है पेट्स प्लाजा के नाम से, वहाँ पेज है, ग्रुप है, वहाँ भी आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। यदि आप कोई भी ब्रीड पपीज़ हुए हैं आपके घर पे, तो आप सेल करना चाहते हो तो वहाँ भी जाकर पोस्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अनदर वीडियो के लिए, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।